सगियों वेझो मेरिक की कोरी बिरादरी पारा हदखलिन बहाने घर उड़ाने खिलाफ एहतजाज किया तफसील बुधा रो है सिंध टीवी न्यूज रिपोर्टर बख्त सियाल। असा मीरक शहर में मौजूद आयूँ इतने जो आज कोरी बिरादरी जहाँ मानू टायरन के बाहू दही एहतजाज कर रहा इन अचो तो गाल बोल कर चवण है इन तरफ को 48 फुट इंक्रोचमेंट है उन तरफ को 56 फुट इंक्रोचमेंट है पर मानुन को जो ऑफिसर एसी मुख्तार कार तपेदार पैसा वही कर सिर्फ इन एक मिसकिन अफजल कोरी से नाजायज़ जुल्म आ हालांकि इन्हीं जगह से कुछ महीना पहुँ रमजान खरल के चवण से उनको पैसा वी एसी इकबाल जनरल इमाम बख्श लाशारी एस एच ओ जो उन वक्त सुबुद्र थे इन पी मरहूम सदरदीन के हफ्स भेजा कर कतुल सफा नाक असो अमरा मारे छन इतने बई पासा दुकान लगा पे असाजे बार बार अचन था केबिन खाइन था बोतलू आम उछलन था सफा जुलुम असा नाक असा इंसाफ किया वे हे मुझो सामान खड़ी सजो लोड़े छो एसी सोभ दे रो शाख में तपेदार ताजमहद लाड़क सिद्दीक खोखर उनसा बया अमलदार भी हुआ हे शमशुपावार हे सजो दुकानदार आन शाख से मुझी भी केबिन पई आ मु गरीब से वो जुल्म आ एसी सोबो देरो इंतकामी कार्रवाई कर रमजान खरल चवणते जो भी एसी नो अचे तो उनके बासर मू पैसा दई कर वी अच अस जुल्म कन था जी तो शहर में बिन्हीं तरफन का इंक्रोचमेंट है रुगो ही केबिन कान्ने का है बार बार बिन टिन साल वी 15 महीने से बे महीने से खड़ा अचन था बई पास इंक्रोचमेंट आ कोर्ट जो ऑर्डर निकतल आ जका भी इंक्रोचमेंट आ सब हटे इन गरीब से जुलम करे तो इंदे वेंदे सिर्फ एक केबिन पटाए तो बे कें कुछ भी को चे वे रमजान खरल इनके पैसा दई कर वी अचे तो जो भी एस एच ओ एसी मुख्तियारकार न अचे तो वो अच अग में ये केबिन पटाए तो एहतजाज कोरी बिरादरी के मानन जा व्यूज बुधा इन आई जी सिंध डी आई जी सखर एस एस पी खैरपुर आला अख्तियार अपील कई तो ये जो इंक्रोचमेंट आ मेरठ के बुनियाद सो हटाई वन कैमरामैन शायद सियाल से गड बख्त सियाल सिंध टीवी न्यूज सगियूं।